हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग फिर से एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे हम दिल में हो तुम, इस गाने को सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। और इस गाने की लाइनिंग को हम लोग एकदम सरल तरीके से सीखेंगे ताकि आप लोग इस गाने को एक ही बार में अपने पियानो एंड हारमोनियम में प्ले कर सकें। तो देखिए दोस्तों, इस गाने का जो इंट्रो म्यूजिक पार्ट है उस पार्ट को थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइमिंग में प्ले कर लेते हैं, उसके बाद में उस पार्ट को हम लोग एकदम सरल तरीके से सीखेंगे। तो आइए कुछ स्टेप से प्ले कर लेते हैं। पहले तो पहले हम इतना तरीके सीखते हैं, इसके बाद में इसके आगे लाइन को सीखेंगे। तो देखिए, पहला जो लाइनिंग आपको शुरुआत करना है, जी की से शुरुआत करना है और आपको टोन लेना है सेक्सीफोन का। देखिए कुछ स्टेप्स है। पहला लाइनिंग, सिर्फ तीन के ऊपर इसी लाइनिंग को आप लोगों को एक बार स्ट्रिंग का टोन प्ले करना है। ये हमारा पहला नंबर लाइनिंग। अब हम देखते हैं जो दूसरा नंबर लाइनिंग है, तो दूसरा नंबर लाइनिंग में भी आप लोगों को सेक्सीफोन का टोन लेना है। इस बार आपको शुरुआत करना है एफ की से, इसी लाइनिंग को भी आप लोगों को वापस से इस बार स्ट्रिंग का टोन प्ले करना है। क्लियर। अब देखते हैं जो थर्ड नंबर लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो थर्ड देखिए, आप लोगों को वापस से आपको जी के से शुरुआत करना है कुछ हिसाब से। देखिए लास्ट स्ट्रिंग का म्यूजिक लाइनिंग, इसके बाद में देखिए इसके आगे की जो लाइनिंग है सेक्सीफोन में टोन में कुछ स्टेप से प्ले होता है। इन दो के ऊपर प्ले करना है, लेकिन आपको थोड़ा फास्ट करके प्ले करना है कुछ स्टेप से। क्लियर। अब देखिए इसके आगे के जो म्यूजिक लाइनिंग स्ट्रिंग का है, तो उस स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग को पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टेप से टाइमिंग में प्ले के बता देता हूँ, उसके बाद में उस म्यूजिक लाइन को वन फिंगर में बताऊंगा। देखिए कुछ स्टेप से। क्लियर। देखिए एक बार वन फिंगर में देखिए। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है उसको देखते हैं, जो गिटार का है कुछ स्टेप्स है। तो पहला नंबर देखिए गिटार का म्यूजिक लाइनिंग। अब देखिए सेकंड नंबर लाइनिंग, ये हमारा सेकंड म्यूजिक पार्ट। अब हम देखते हैं जो थर्ड नंबर लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो ये था हमारा थर्ड नंबर म्यूजिक लाइनिंग गिटार का। यहाँ से हमारा गिटार का म्यूजिक लाइनिंग खत्म हो जाता है, इसके बाद में शुरू हमारा स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग। तो स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग को कुछ इस टाइप से देखिए। तो ये था हमारा इंट्रो म्यूजिक लाइनिंग। तो आई होप आप लोगों को इंट्रो म्यूजिक लाइनिंग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं इस गाने का जो मुखरेक लाइनिंग उसको सीखेंगे। तो देखिए मुखरेक लाइन को मैं थोड़ा समय आप लोगों को टाइमिंग प्ले करके बता देता हूँ, उसके बाद में मुखरेक लाइन को भी हम स्टेप से तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। तो आइए कुछ स्टेप से प्ले कर लेते हैं मुखरेक लाइन को। तो ये था हमारा मुखरेक लाइनिंग। तो आइए हम सीखते हैं इस मुखरेक लाइनिंग को। तो देखिए मुखरेक लाइनिंग को सीखने के लिए जो मैं टोन बता रहा हूँ, पियानो को टोन बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में एकदम आसान हो जाए। तो देखिए पहला जो लाइनिंग आपको शुरुआत करना है, सी की से शुरुआत करना है कुछ स्टेप्स है। दिल में हो तुम, उसके बाद में आँखों में तुम, इसके बाद में सुने होंगे बीच में थोड़ा सा स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग है। तो इस स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग को कुछ स्टेप्स पे लेना है।
अब देखिए इसके आगे जो सेकंड नंबर लाइनिंग है उसको देखते हैं, तो सेकंड कुछ हिसाब से, सेकंड लाइन के बाद में आप सुने होंगे बीच में वापस से स्ट्रिंग की म्यूजिक लाइनिंग है, तो उस स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन को कुछ स्टेप से प्ले करना है। क्लियर। अब देखिए जो थर्ड नंबर लाइनिंग उसको देखिए, थर्ड नंबर लाइनिंग सिर्फ एक ही की के ऊपर स्टेप से पूजा करूँ। देखिए थर्ड नंबर लाइन के बाद में स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग है कुछ स्टेप से। इस बार चौथा देखिए, हमारा चौथा नंबर लाइनिंग, चौथा नंबर लाइन के बाद में भी स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग है कुछ स्टेप से। अब देखिए जो पांचवा नंबर लाइनिंग उसको देखिए, फाइव कुछ स्टेप से। क्लियर। देखिए फाइव के बाद में अब वापस से आपको स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन प्ले करना है, तो इस स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन थोड़ा सा लंबा है कुछ स्टेप से। क्लियर। तो आप देखिए इसके आगे की लाइनिंग है जानू कुछ स्टेप से, तो इस जानू लाइन को कुछ स्टेप से भी प्ले करना है आपको एक बार स्ट्रिंग टोन में। उसके बाद में वापस से वॉइस में, इसके बाद में स्ट्रिंग टोन में, लास्ट में वॉइस में। क्लियर। तो ये था हमारा मुखरे की लाइनिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मुखरे की लाइनिंग है आप लोगों को अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मुखरे का आगे का जो म्यूजिक पार्ट है, पहला म्यूजिक पार्ट, तो उस पार्ट को हम सीखेंगे। तो पहले मैं म्यूजिक पार्ट को पहले प्ले कर लेता हूँ, उसके बाद में एकदम आसान तरीके से आप लोगों को तुर को बताऊँगा। तो आइए कुछ स्टेप से प्ले कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा पहला म्यूजिक पार्ट। तो आइए अब हम सीखते हैं इस म्यूजिक लाइन को। तो म्यूजिक का जो पहला लाइनिंग है फुलेट का है। अब देखिए फुलेट का लाइनिंग जो है आप लोग शुरुआत करना है सी की से, कुछ स्टेप से लेना है। पहले वन फिंगर में देख लीजिए, इन तीन के ऊपर आपको प्ले करना है कुछ स्टेप से, थोड़ा फास्ट करके देखिए। क्लियर। कुछ स्टेप से प्ले करना है। अब देखिए जो सेकंड नंबर लाइनिंग उसको देखिए फ्लेट का, तो सेकंड नंबर लाइनिंग आपको कुछ स्टेप से प्ले करना है, सिर्फ वापस से तीन के ऊपर। इस बार फोर फिंगर देख लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए थर्ड नंबर लाइनिंग फ्लेट का, तो थर्ड नंबर लाइनिंग भी कुछ स्टेप से है, सिर्फ तीन के ऊपर थर्ड नंबर लाइनिंग, एक बार फोर फिंगर देख लीजिए। क्लियर। तो जहाँ से थर्ड खत्म होता है वहीं से चौथा शुरुआत। क्लियर। अब देखिए इसके आगे के जो लाइनिंग है उसको देखते हैं। इसके आगे के जो लाइनिंग है स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग, तो स्ट्रिंग म्यूजिक का पहला लाइनिंग देखिए पार्ट कुछ स्टेप से है। पहला लाइनिंग ये हमारा स्ट्रिंग का पहला नंबर लाइनिंग। अब देखिए दूसरा नंबर लाइनिंग स्ट्रिंग का, ये हमारा दूसरा नंबर लाइनिंग। अब हम सीखते हैं तो तीसरा नंबर लाइनिंग है स्ट्रिंग का, हम सीखते चौथा, अब देखिए पांचवा, अब देखिए इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है गिटार की म्यूजिक लाइनिंग है, जो पहला वाला गिटार की म्यूजिक लाइनिंग है कुछ स्टेप्स है। इस लाइनिंग को हम सीखे हुए हैं कुछ स्टेप्स है। अब देखिए लास्ट में जो स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग है आपको कुछ स्टेप से लेना है, स्टेप से। यहाँ से हमारा पहला म्यूजिक पार्ट खत्म हो जाता है और हमारा अंतरा का लाइनिंग शुरू होता है। तो अंतरा का लाइनिंग भी जो है मैं उस लाइनिंग को पहले थोड़ा सा प्ले कर लेता हूँ टाइमिंग में, उसके बाद में उस अंतरा का लाइनिंग को भी हम तोड़कर एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो आइए कुछ स्टेप से प्ले कर लेते हैं अंतरा का लाइनिंग को।
ये था हमारा गाने का अंतरा का लाइनिंग। तो देखिए गाने का अंतरा का साथ में मैंने मुखरे लाइन भी जोड़ दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। तो आइए अब हम सीखते हैं इस गाने का जो अंतरा का लाइनिंग उसको सीखते हैं। तो अंतरा का जो पहला हम लाइनिंग देखें कुछ से है, ये हमारा गाने का अंतरा का पहला नंबर लाइनिंग। तो देखिए पहला का बाद में सुने होंगे बीच में थोड़ा सा स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग है इस टाइप से, क्लियर। अब देखिए सेकंड नंबर लाइनिंग देखिए अंतरा का कुछ से, सेकंड के बाद में भी बीच में थोड़ा सा स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग है, क्लियर। अब देखिए जो थर्ड नंबर लाइनिंग उसको देखिए, थर्ड कुछ से थर्ड के बाद में भी स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग है, उस स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग कुछ हिसाब से, क्लियर। अब देखिए चौथा, तो ये था हमारा गाने का अंतरा का लाइनिंग। तो सुने होंगे अंतरा के बाद में आप सुने होंगे बीच में थोड़ा सा फ्लूट का म्यूजिक लाइनिंग है, तो उस फ्लूट म्यूजिक लाइनिंग को देखिए कुछ स्टेप से लेना है, एक दो तीन, इन तीन को ऊपर लेना है और एक ही लाइन को तीन बार, ठीक है। अब देखिए सेकंड, सेकंड भी तीन के ऊपर, एक दो तीन। अब देखिए थर्ड, थर्ड भी तीन के ऊपर, इन तीन के ऊपर। अब देखिए चौथा, चौथा स्टेप से, क्लियर। अब देखिए इसके बाद में आप लोगों को वापस से अंतरा का पहला और सेकेंड और थर्ड नंबर लाइन को प्ले करना है, ठीक है। तो हम लोग और एक बार प्ले कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन सेकेंड, सेकेंड स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन थर्ड, थर्ड स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन चौथा। तो ये था हमारा गाने का अंतरा का लाइनिंग। इसके बाद में आप लोगों को वापस से मुखरे का लाइनिंग को जोड़ लेना है। तो अब हम बढ़ेंगे इस गाने का जो लास्ट सेकंड म्यूजिक पार्ट है उसको सीखेंगे। तो सेकंड म्यूजिक पार्ट को भी थोड़ा सा मैं प्ले कर लेता हूँ टाइमिंग में, उसके बाद में एकदम आसान तरीके सरल तरीके से तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। तो आइए कुछ स्टेप से टाइमिंग प्ले कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा सेकंड म्यूजिक पार्ट। तो आइए हम सेकंड म्यूजिक पार्ट को भी एकदम सरल तरीके सीखते हैं। तो सेकंड म्यूजिक का पहला लाइनिंग देखिए कुछ तरफ से है, अब देखिए सेकंड नंबर लाइनिंग, अब देखिए थर्ड म्यूजिक लाइनिंग, अब देखिए चौथा, अब देखिए इसके बाद में शुरू होता है हमारा स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग। जहाँ से गिटार का म्यूजिक लाइन खत्म होता है वहीं से स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन शुरू होता है। तो स्ट्रिंग म्यूजिक का पहला लाइन देखिए, तो स्ट्रिंग का ये हमारा पहला नंबर लाइनिंग। अब देखिए दूसरा नंबर लाइनिंग, अब देखिए तीसरा, अब देखिए चौथा, अब देखिए इसका आगे का जो लाइनिंग है अलाप की लाइनिंग है, उस अलाप की लाइन को हम सीखे हुए हैं। तो लेकिन इसके बीच में जो म्यूजिक लाइनिंग है उस म्यूजिक लाइन को समझाने के लिए इस अलाप की लाइन को भी आपको प्ले करना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए कुछ स्टेप से है, पहला अलाप की लाइन, उसके बाद स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, थर्ड स्ट्रिंग म्यूजिक लाइन, देखिए इस बार अलग, देखिए इसके बाद में स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग है,
अब देखिए उसके बाद में थोड़ा सा स्टेप से म्यूजिक लाइनिंग है, क्लियर। अब देखिए लास्ट में कौन सा म्यूजिक लाइनिंग, वापस से पहला वाला। इसके बाद में आप लोगों को कौन सा लाइन प्ले करना है, वापस से अंतरा लाइन को प्ले करना है। तो देखिए दोस्तों इस गाने की लाइनिंग, जितना भी म्यूजिक पार्ट था और गाने की लाइनिंग था, सारे लाइनिंग को मैंने आप लोगों को एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो अगर से मेरे से कोई लाइन छूट जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले और एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।